हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान अड्डा पे। किसान वीरों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलख 14201 जो गन्ना किस्म है, इसकी पेड़ी कैसी होती है, कितना इसका गन्ने की मोटाई लंबाई रहती है पेड़ी में। तो सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि किसान वीरों आप ये वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, ये जो किस्म लगी है ये कोलख 14201 गन्ना किस्म लगी हुई है, उसकी जो पेड़ी है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी किसान में सबसे बड़ी बात कि इसकी जो हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की थी वो अप्रैल के माह में की थी और इस समय जो महीना चल रहा है हमारा अक्टूबर का पहला सप्ताह है, तो इतने दिनों में इसकी जो पेड़ी तैयार हो गई काफ़ी अच्छी है। जो टिलरिंग है तकरीबन देख रहे होंगे 20-20 इसमें किसान वीरों गन्ने बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तकरीबन 20-20 इसमें गन्ने बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी गन्ने बने हैं सभी की जो मोटाई है देख रहे होंगे आप, समान मोटाई के सब गन्ने हैं और समान मोटाई के साथ साथ गन्ने की जो लंबाई है वो भी बिल्कुल समान ही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये गन्ना इस बार काफ़ी ज़्यादा हवाओं चलने के कारण गन्ना जो हमारा हल्का ये तिरछा हो गया है हवा के कारण, और देख रहे होंगे ऊपर तक जो गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको ऐसे अंदर भी दिखाने का प्रयास करूं गन्ने को, तो अंदर भी आप देखेंगे इसमें गन्ने की कटाई चल रही है इस समय, गन्ना ये बीच में जा रहा है सब पूरा, तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ भी देख रहे होंगे गन्ने की जो मोटाई है बहुत ही शानदार गन्ने की मोटाई है। जितने गन्ने हैं पूरे मोटे हैं, स्वस्थ गन्ने हैं। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि इस गन्ने में मोटाई कम है गन्ने में, परंतु ऐसा नहीं है। देख रहे होंगे आप ये पेड़ी गन्ना है, पेड़ी गन्ने में जो मोटाई है गन्ने की वो बहुत ही शानदार आ रही है। ऐसा ही आपको मैं और भी दिखाऊँ अंदर से, तो ये देख रहे होंगे जितने भी गन्ने हैं पूरे कितने मोटे स्वस्थ गन्ने हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का रोग गन्ने में नहीं है। गन्ने की जो सबसे आकर्षक बात है गन्ने की जो मोटाई, जो बहुत से किसान भाई कहते हैं कि गन्ने की मोटाई कम है गन्ना बारीक है, तो ये देख रहे होंगे गन्ने की ये पेड़ी है बहुत ही गन्ना मोटा है। अगर मैं आपको और भी अंदर से खेत के दिखाऊं तो ये देख रहे होंगे ये गन्ने की एक्चुअल लंबाई है, अप्रैल माह की कटिंग थी उसके बाद में इसकी जो इस समय पेड़ी हुई है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देख रहे होंगे ये गन्ने की ऊपर से मोटाई है देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी है, ये देख रहा हूँ। तो तकरीबन किसान वीरों इसमें जो गन्ना है 2.5-2.5 किलो के गन्ने हैं इसमें, काफ़ी अच्छी गन्ने, क्योंकि इसमें किसान वीरों गन्ने में भार भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गन्ने के अंदर किसान वीरों पिथ नहीं है, तो बिल्कुल गन्ना अंदर से ठोस होने के कारण जो गन्ने की जो गन्ने में जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको और भी अगर अंदर से दिखाऊँ तो किसान आप पाएंगे कि सभी गन्ने की जो मोटाई लंबाई है बहुत ही अच्छी है। जैसे कि ये मैं आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण, हवा चलने के कारण गन्ना हमारा गिर गया है, तब भी जो देख रहे होंगे गन्ने की जो मोटाई देख रहे होंगे किसान भाइयों, देख रहे होंगे पूरा तकरीबन गन्ने कल्लों की संख्या भी लाजवाब है। कल्लों की संख्या लाजवाब होने के साथ साथ में गन्ने की जो किसान वीरों मोटाई है और लंबाई है ये तो काफ़ी आकर्षक लग रही है। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे पेड़ी किसान वीरों पेड़ी के लिहाज से देख रहे हैं गन्ना काफ़ी अच्छा है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा गन्ना ये गिर गया है क्योंकि किसान वैसे ही गन्ना जल्दी गिरता नहीं है, परंतु किसान इस बार बहुत ही तेज़ हवाएँ चली हैं और बारिश काफ़ी होने के कारण थोड़ा हमारा ये गन्ना सभी गन्ने गिर गए हैं। और कुछ ये दिख रहे होंगे इसको हम लोग दोबारा खड़ा करके बंधवाया भी है, तो कुल मिला के किसान इसकी पेड़ी काफ़ी लाजवाब है। अगर आप इस किस्म को बोते हैं तो आपको किसान इसका पौधा तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ इसकी जो रेटून है आपको वो भी किसान काफ़ी लाजवाब मिलने वाली है। तो किसान अगर आप इस वैरायटी का बिजाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप इसके बीज के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इसका जो बीज है, अगर मान के चलिए अगर आप पास के एरिए से हैं तो किसान आप क्विंटल के हिसाब से हमारे यहाँ से ये बीज ले जा सकते हैं, जो भी वाजिब रेट होगा, जो भी रेट है वो काफ़ी कम रेट पर हम लोग इसको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मान के चलिए आप दूर दराज के एरिए से हैं जहाँ पर आप खड़ा गन्ना ले जा नहीं सकते, हम लोग अगर यहाँ से भेजते हैं तो किसान हम लोग यहाँ से 1 रुपये बढ़ के हिसाब से यहाँ से भेजते हैं, तो हम लोग डिलीवरी भी देते हैं। जैसे मैं लखीमपुर खीरी से हैं तो किसान हम जो है बीज को, जैसे हमारा पश्चिमी यूपी के जितने ज़िले हैं बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, इसके साथ साथ इधर हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया,
यहाँ तक हमारी डिलीवरी है। वो एक बोरे में किसान तकरीबन 1000 से 1200 आँखें आती हैं, और 1 रुपए के हिसाब से आपका 1200 तो आपका बीज का हो जाएगा 1200 आँख का। और उसमें किसान वीरों जो 300 रुपये भाड़े वाला जो है बस वाले लेते हैं, जो कि पंजाब वाली जो बस है वो आपका हमारे लखीमपुर से चलती है, जो वो आपका बिजनौर और उसके साथ साथ मीरापुर होते हुए जानसेड, वहाँ से भी बिजनौर, वहाँ से भी सॉरी वहाँ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से फिर आगे किसान वीर शामली और करनाल होकर निकलती पंजाब जाती है। तो आप पंजाब के भी जो किसान हैं वो भी यहाँ से हमारे यहाँ से बीज मंगा सकते हैं, हमारी जो खन्ना, जलंधर और इसके सिवा अमृतसर तक डिलीवरी है। तो किसान करनाल में भी हमारी डिलीवरी है, अम्बाला में भी, ऐसे ही हमारे बिहार में गोपालगंज तक किसानों डिलीवरी है, गोरखपुर तक है। तो काफ़ी एरिया कवर है, मान के चलिए आप अगर यहाँ नहीं आ सकते तो वहाँ तक भी हम लोग यहाँ से बीज भेजने का कार्य करते हैं। देख रहे होंगे काफ़ी उच्च, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किसान देख रहे होंगे पीढ़ी हमारी खड़ी है इस समय, और इसका जो पौधा है किसान वो भी बिल्कुल इसी तरीके का हमारे खेत में लगा है। तो किसानों वीडियो कैसी लगी हो, अगर आपके काम की लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।